तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, पार्ट वन में हमने इस नोरा फतेह की स्केच को ड्रॉ करना सिखाया था बहुत ही ज्यादा आसान तरीकों से। और गाइस, आप इस वीडियो में हम इस नोरा फतेह की स्केच को पूरा करने वाले हैं, मतलब कंप्लीट। इसमें हम शेडिंग करने वाले हैं और हेयर बनाएंगे, और हेयर हमें कौन सी पेंसिल से बनाने हैं ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लिए। तो गाइस, शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करूँगा, और हेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल ली है। और गाइस, ये हमारे ब्लेंडिंग स्टम्प है, और ये मेकअप ब्रश लिए है मैंने, और ये एक रबड़ है। बस इसी से हम अपने ड्राइंग को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो आर्ट ड्रॉ किया था इसको हम हल्का रफ कर लेंगे। तो गाइस चलो, अब हम पोर्ट्रेट को स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्रेट स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ से आई से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे मैं सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, चारकोल सॉफ्ट पेंसिल। तो शेडिंग के लिए मैं आपको बताया था मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आर्ट लाइन की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2B पेंसिल से शेड करूँगा हल्का हल्का। आपको जहाँ पे लाइट एरियाज लगे वहाँ पे हल्के से पेंसिल को रफ करना है, और जहाँ पे डार्क है उस तरह डार्क से हमें पेंसिल से शेड देना है। लेकिन गाइस, अभी इतना देने के बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपकी जो शेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और मस्त होने वाली है। और गाइस, आपको स्पीड में नहीं करना है, आपको स्लो में करना है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 6B पेंसिल का, और 6B पेंसिल से हम यहाँ पे लिप्स को बनाएंगे। हो चुका है, उसके बाद हमें एक इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे हमारा लाइट था हमें वहाँ पे हल्का हल्का इरेजर चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना। तो गाइस, इतना करने के बाद आपको टिश्यू पेपर लेना है, टिश्यू पेपर को फोल्ड करना है। आप चाहो तो टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प हो तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद गाइस, इसको आपको स्मूथली घिसना है, सर्कल में रफ करना है आपको, इसको सर्कल में रफ करना है गाइस। गाइस, मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दी है, और उसके बाद हम हेयर करेंगे। हेयर करने के बाद यहाँ पे डार्क जो शेडिंग है वो हम बाद में करने वाले हैं, उसके बाद अब हम बनाते हैं हेयर। तो हेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा।
गाइस हेयर बनाने के लिए सबसे पहले आपको पेंसिल स्मूथ पकड़ के हेयर ड्रॉ करना है, उसके बाद डार्क करना है, उसके ऊपर ऊपर उसके बार बार पेंसिल डार्क करनी है और हेयर के डायरेक्शन में हमें पेंसिल को चलाना है। सो गाइस फाइनली हमारा पोर्ट्रेट बनकर रेडी हो चुका है। और गाइस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।